फाइनली हम फिर से आ चुके हैं लोसर वाले ब्रिज पे, और यही ब्रिज लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करता है या स्पीति को लाहौल से कनेक्ट करता है, जो भी आप कह लीजिए। पूरा लकड़ी का बना हुआ ब्रिज है। जब इसको क्रॉस करें खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है। ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा है कि हाथ में सुई की तरह चुभ रही है, इतना ठंड लग रहा है। ज़्यादा तेज़ चलने का भी मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ धूप बहुत तेज़ है, बट ऐसा है नहीं, ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं विकास भाई और मनी भाई के साथ उनकी गाड़ी में बैठा हूँ, बट फिर भी ठंड से कांप रहा हूँ। ऐसा कुछ माहौल है अभी यहाँ पे। गज़ब के नज़ारे हैं, एक नंबर के, एकदम खिली हुई धूप, ठंडी ठंडी एकदम सुई की तरह चुभती हवाएं, और लेफ्ट साइड में पहाड़ की ऊंचाई पे एक गौतम बुद्ध का स्टैचू। क्या सुंदर नज़ारे हैं, सामने पहाड़ों पे भी बर्फ़ दिख रही है, छोटे छोटे घर, छोटा सा गांव है कोई, और क्या नाम है पता नहीं, बट बहुत सुंदर, एक नंबर लोग। क्या खूबसूरत जगह है ये, एकदम प्लेन रोड सीधी, सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, एकदम ब्रॉड वैली, और ये टॉरमैक रोड, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है इसका। और ये पता नहीं कहाँ तक है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये एकदम प्लेन रोड ऐसे ही एरिया है। और अभी जब मैं काज़ा आया था तब आपने देखा कहीं पे बगल में पहाड़ है, कहीं पे नदी, कहीं पे कैनियन टाइप का रोड है, बट यहाँ चारों तरफ एकदम खुला मैदान है। करीब ऐसा ही रास्ता रहा तो एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, डेढ़ घंटा आने का। हाँ, तीन तीन घंटे हो जाएंगे, साढ़े चार बज जाएगा। आधा घंटा रुकोगे तो? हाँ, कहाँ रुकेंगे, लोसर में खाएंगे पियेंगे निकल लेंगे तुरंत। चार पाँच बज जाएंगे यार, फिर कैसे जाओगे धनकर? देखा जाएगा यार, जहाँ तक चल पाएंगे चल पाएंगे, इसके बाद निकल आएंगे ना, परेशानी किसी बात की नहीं है, चलते रहने का। कौन नहीं घुसने, नहीं घुसने देगा, वापस आ जाएंगे, साथ में वापस कटाई है। फायदा क्या? अरे एक्सपीरियंस तो करके आएंगे सर्दी मौसम का। चॉकलेट निकालो। चलो, मतलब 6-7 किलोमीटर आगे बंद है। 5-6 तक जा सकते हैं। तक जा सकते हैं। में ना वो होगा। ये ना। क्या? यार ये कोकोनट वाली टॉफी ना इतनी सेक्सी लगती है मेरे को।
अब क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है? मैं नहीं खाऊंगा, मेरे दांत में चिपकती, मेरे जाड़े खराब है। लिए किस लिए थे? लिए किस लिए थे? दस हज़ार खा लेते नहीं बच्चों को। अच्छा, मिले थे बच्चे, रख दूँ। अभी एक गाड़ी आई थी, उससे पूछा मैंने, तो आगे 6-7 किलोमीटर बाद रास्ता बंद है, तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी धनकर के लिए निकलेंगे, इसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, बट जगह बहुत अच्छी है, भूख भी लग रही है, चॉकलेट खा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामने का नज़ारा देखिए आप, छोटे छोटे खम्भे जैसे खड़े हैं, मस्त लग रहा है, एक नंबर। और लोसर यहाँ से 42 किलोमीटर है, मनाली 185 और कुल्लू 225। अरे ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर आएंगे, ये सब भी कंप्लीट करेंगे। अभी चलते हैं वापस गाज़ा की तरफ, बाय। तो यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी रिटर्न जर्नी ऋषिकेश के लिए, और नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो लोसर, बाटल, छत्रो, चंद्रताल, देन पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए मनाली, शिमला होते हुए तब वापसी करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, तो इसलिए अपनी होप को बनाए रखना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो पूरा स्पीति सर्किट, लाहौल स्पीति का पूरा सर्किट कंप्लीट करके और इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करके तब फिर वापसी करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे गाज़ा के लिए। यहाँ से मैंने वापसी की है वो मूरंग विलेज के आसपास का एरिया था कहीं पे, वहाँ से शायद थोड़ा आगे ही चल के मूरंग विलेज था, तो वहीं तक ही पहुँच पाए थे। उसके 5-6 किलोमीटर बाद पूरा ग्लेशियर नीचे आ रखा था, तो आगे जाने कोई मतलब नहीं था, तो वहीं से रिटर्न होना ज़्यादा सही था, क्योंकि थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और आज थोड़ी वापसी की अपना जो डिस्टेंस है वो भी थोड़ा कवर हो जाएगी। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, रात में ड्राइव करना नहीं है, इसलिए अंधेरा होने से पहले जहाँ भी पहुँच पाएंगे। तो अभी मैं रैंगरिक से करीब 0.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और सामने जो देख रहे हैं आप वो रैंगरिक विलेज है, और ऊपर गौतम बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है, काफ़ी प्यारा सा पहाड़ी पे, और एक स्तूप ये बना हुआ है छोटा सा सामने, काफ़ी प्यारा लग रहा है, और ये एक पहाड़ की चोटी, और सामने भी कुछ है, झंडे लगे हुए हैं, और सीधे गाज़ा का ये रास्ता, और ये खेत, बगल में स्पीति रिवर, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और शशांक भाई पता नहीं कहाँ रह गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं साथ में, अभी उन्हें एटीएम से पैसे भी निकालने हैं।
अभी पहुंच चुके हैं लोसर वाले ब्रिज पे और अब यहाँ से जाएंगे काजा। काजा में एटीएम से पैसे निकालेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, इसके बाद निकल लेंगे कहाँ के लिए, धनकर, तावो, नाको, पू, जहाँ भी पहुंच पाएंगे वहाँ के लिए निकल लेंगे, क्योंकि अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना देर करेंगे उतना ही दिक्कत होगी। आइस भी मेल्ट हो रही है तो पत्थर भी गिर रहे होंगे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे का सीन। और अभी भी स्टोन पेल्टिंग जा रही है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी आए हैं छोटे के साथ साथ, और जब तक ये बर्फ़ पूरी तरह से पिघल नहीं जाएगी तब तक ये स्टोन पेल्टिंग ऐसे ही होती रहेगी। तो इस वैली में ऐसी कई जगह आपको मिलती हैं, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे यहाँ तक के आने के, तो उसमें आपने कई एरियाज़ ऐसे देखे होंगे जहाँ पर स्टोन पेल्टिंग प्री डिफाइंड है, वहाँ पर पहले ही लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है कि ये स्टोन पेल्टिंग जोन है, थोड़ा संभल के चलें ऊपर पहाड़ों में देख कर। और अभी अभी विकास भाई की स्टोरी, इंस्टा स्टोरी देखी मैंने, तो उनका विंडशील्ड टूट गया है, तो आई थिंक कि आगे काफ़ी ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग हो रही है, तो देखते हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही अभी आगे जाने की। थुम्पा मोमोज एंड चाउमीन विद सूप, राइट, शू एंड ये क्या है, टोमेटो केचप, खाते हैं आनंद लेते हैं। नूडल्स बनाने का देसी तरीका, वाओ। ऊपर से पत्थर तो नहीं लगा आज, आज तो पत्थर नहीं लगा, पत्थर बाइक में लगे हैं, तो लगे हैं डिस्प्ले पे लगे हैं मेरे इसमें अभी तक।